उल्लासनगर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। भरत जी, आज तक उल्लासनगर की आम जनता ने सफर किया है। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप उल्लासनगर दर्पण न्यूज में आप हमारा पहला इंटरव्यू है। भरत जी बताइए, जैसे कि ये आपकी उपलब्धि है, जैसे आपने उल्लासनगर की आम जनता को देखा होगा कि वो सफर करती, एक पेशेंट यदि डॉक्टर के पास जाता है तो उल्लासनगर में ऐसी सुविधाएं नहीं है कि डॉक्टर उन्हें तुरंत कुछ रिप्लाई दे सकते। अधिकतर पाया गया कि डॉक्टर उन्हें देखते ही उन्हें मुंबई का रुख करने के लिए कहते हैं। आप ऐसी क्या विशेषताएं हैं वो हमें बताइए, ताकि हम भी उल्लासनगर की जनता को बता सके और उन्हें सुविधाएं दे सकें। आप बताएं। आपके सवाल में ही इसका आंसर है। जैसे आपने बोला, यहाँ पे डॉक्टर्स तो हैं, बहुत टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं, क्योंकि हमारी रेगुलरली उनसे बात होती रहती है। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। यहाँ पे ऐसी कोई अस्पताल नहीं है जिसमें सब सुविधा हो एक साथ हो। तो आपको किसी भी बीमारी को डायग्नोस करना है या उसके जड़ तक जाना है तो एक प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ता है। बिकॉज यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है आने जाने में। तो मेरे अंडर भी वहाँ पे रेगुलरली कोकिला बाय नवी मुंबई में रिलायंस के उल्लासनगर के बहुत ज़्यादा पेशेंट एडमिट होते हैं, तो ओपीडी के लिए भी उनको आना रहता है। तो तकलीफ होती है ऑब्वियसली, एक तो 2 घंटा दूर है, सबको पता है ट्रैफिक कितनी है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने चालू किया हुआ है कि एक तो उनसे फॉलोअप हो, दूसरा मैं सन ऑफ सॉइल हूँ, यहाँ पे मैं 35 साल रह चुका हूँ, तो मुझे यहाँ के उल्लासनगर ने मुझे बहुत कुछ दिया है तो मुझे वापस भी कुछ देना है। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, बहुत टाइम दिक्कत है, पेन है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, जो ठीक नहीं हो रहे हैं, उनको आंसर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे आके एक बार दिखा सकते हैं। हम उनको गाइड कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं ये प्रोसेस है, और अगर ठीक होना है या नहीं ठीक होना है तो एग्जैक्टली बता देंगे कि ठीक होगा या नहीं। हमारे साथ जो भरत जी हैं, ये आपको बताएं इनकी विशेषता, ये 2013 में यंग टैलेंटेड अवार्ड पा चुके हैं और 21, 22, 23 इंडिया टुडे द्वारा भी इनको डॉक्टरों में प्रमाण दिया गया कि ये सबसे अच्छे डॉक्टर है। आपको बताया गया कि सन ऑफ सॉइल, यानी ये उल्लासनगर की जमीन से ही गए हैं और उल्लासनगर की जो समस्या है वो जड़ से खत्म करने के लिए आज तक क्या हुआ, लोगों को बीमारियां हैं, लोग दवाइयां खा रहे पर उनकी जड़ तक नहीं जा रही। यही एक नई सोच, नई उम्मीद लेके बीजेआर डायग्नोस्टिक्स के हमारे भरत जगासी जी आए हैं। हम पूरे उल्लासनगर वासियों से अपील करेंगे कि जिनको जो भी जिस प्रकार की बीमारी है वो आके कंसल्ट करें और आगे की राय लें कि वो स्वस्थ कैसे हो सकते हैं। धन्यवाद।